तो जनाब, हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, अपने लिनक्स को। और रीस्टार्ट करने के बाद हम कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी जो रेस्ट है वो सही तरह से इंस्टॉल हो गई है। इसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो है रेस्ट सी। माइनस माइनस वर्जन, तो ये हमें बता देगा कि रेस्ट जो इंस्टॉल है उसका वर्जन क्या है। इससे पता चल रहा है कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक फर्दर टेस्ट रहता है, वो अभी हम करेंगे। और उस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो कंपाइल हो रहा है कि नहीं। तो जनाब, उसके लिए हम एक हेलो डॉट आर एस की फाइल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट कर देंगे। इसको हम सेव करेंगे और कंपाइल करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम कंपाइल होता है कि नहीं। तो कंपाइल करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे रेस्ट सी हेलो डॉट आर एस। ओहो, ये तो एक एरर आ गया जनाब। ये एरर हमें बता रहा है कि लिंकर सी सी नॉट फाउंड। अब कर ये रहा है कि रेस्ट ने इस प्रोग्राम को कंपाइल तो कर दिया है, लेकिन कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए इसको लिंकर नहीं मिल रहा। ये एरर शो करता है कि हमारे इस लिनक्स के फ्लेवर में जीसीसी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। कुछ फ्लेवर्स में डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में जीसीसी इंस्टॉल होती है और कुछ फ्लेवर्स में जीसीसी इंस्टॉल नहीं होता। जहां जीसीसी इंस्टॉल नहीं होगा वहां पे आपको ये वाला एरर आएगा। और अब हम देखते हैं इस एरर से निकलने का तरीका। तो जरा सिंपल सा तरीका है, हम कहेंगे एपी सुडो एपीटी इंस्टॉल जीसीसी, या अगर आपके फ्लेवर में यम यूज हो रहा है तो आप करेंगे सुडो यम इंस्टॉल जीसीसी और अपना पासवर्ड देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि मैंने मतलब जीसीसी इंस्टॉल करना है और साथ उसके मंदरजा जैल उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, इसका टोटल साइज इतना होगा, तो क्या आप अलाउ करते हैं मुझे इसको इंस्टॉल करना। और जब हम यस का बटन दबाएंगे कंटिन्यू के क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो ये जीसीसी और उससे रिलेटेड डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो है या डिपेंडेंसीज जो है उनको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो ये देखें, हमारी जीसीसी की इंस्टॉलेशन जो है ना इस वक्त वकूफ पजीर है। और ये वजह थी जिसकी वजह से हमने सिर्फ रस्ट की इंस्टॉलेशन के बाद रस्ट सी माइनस माइनस वर्जन के चेक पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के इसको कंपाइल करके भी देखा, ताकि अगर कोई और चीज मिसिंग है तो वो हमारे सामने आ जाए। और देखा गया कि बिल्कुल हमारे इस वाले फ्लेवर में जीसीसी इंस्टॉल नहीं था। और अब हम उसको इंस्टॉल करके उसके बाद अब दोबारा से वही वाली कमांड रस्ट सी स्पेस हेलो डॉट आर एस चला के देखेंगे कि अब जीसीसी इंस्टॉल करने के बाद हमारा कंप्यूटर इस काबिल हुआ है कि नहीं कि वो रस्ट में बने हुए प्रोग्राम्स को कंपाइल कर सके। तो ये देखिए, 90+% हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। और ये इसको जितनी फाइल्स चाहिए थी उसे डाउनलोड कर लिए और उनको फिर स्टेप बाय स्टेप ये कंप्रेस करके इंस्टॉल करना शुरू कर दिया।
ले जनाब, इंस्टॉलेशन हो गई हमारी कंप्लीट और अब हम दोबारा से वही कमांड चला के चेक करते हैं कि क्या हमारी जो इंस्टॉलेशन है इसके बाद अब हम इस काबिल हैं कि हम रस्ट सी के रस्ट में बने हुए किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकें। हम दोबारा से कमांड लिखते हैं रस्ट सी हेलो डॉट tars और ये देखिए अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसे चला के देखते हैं तो ये देखिए इसने हमारा रिक्वायर्ड मैसेज प्रिंट कर दिया। तो जनाब हमारी इंस्टॉलेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। जी तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं और ये एपीटी इंस्टॉल जीसीसी को भी अपने पास ऐड कर लेते हैं एहतियातन कि अगर आपके फ्लेवर में जीसीसी बेटर इंस्टॉल है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके फ्लेवर में लिनक्स के जीसीसी पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको वो लिंकर नॉट फाउंड का एरर आएगा और उसको फिर आप जीसीसी इंस्टॉल करने से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद हमने छोटा सा ये प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको कंपाइल करके और चला के देखा तो हमें पता चला कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब एक ऑप्शनल चीज़ है लेकिन हमारे रस्ट के सफर में बहुत कारामत साबित होगी इंशाल्लाह, और वो है विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन। विजुअल स्टूडियो कोड हमें एक IDE प्रोवाइड करता है। IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है ना, ये प्रोग्रामर को बहुत ईज प्रोवाइड करती है जब वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। किस तरह का ईज प्रोवाइड करती है, अभी हम सैंपल के तौर पे इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि VS कोड इंस्टॉल करने से हमें क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लिनक्स की मशीन की तरफ। यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ उबंटू में हमारे पास फायरफॉक्स अवेलेबल है तो हम फायरफॉक्स ओपन करेंगे। और यहां हम चले जाएंगे code.visualstudio.com पे। यहाँ पे अब आप अपने लिनक्स के फ्लेवर के हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके पास उबंटू या इससे रिलेटेड कोई फ्लेवर है तो आप इसकी जो रेलेवेंट इंस्टॉलेशन की फाइल है वो डाउनलोड कर लेंगे डॉट डेप की एक्सटेंशन के साथ। और अगर आप रेड हैट या सेंटोस या फेडोरा रिलेटेड फ्लेवर के ऊपर हैं तो आप वहाँ पे रेलेवेंट इंस्टॉलेशन फाइल जो है वो RPM एक्सटेंशन के साथ होती है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग Ubuntu यूज़ कर रहे हैं और Ubuntu जो है वो Ubuntu बेस्ड है तो हम यहाँ पे इसकी जो डेव फाइल है इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी चंद सेकंड में ये जो फाइल है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी।
और ये तकरीबन 60 to 70 MB के दरमियान शायद इसका साइज है। आजकल जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो वर्जन आ रहा है। जी तो ये फाइल जो कि 60.5 MB की है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी फाइल हो गई है डाउनलोड। अब हम फायरफॉक्स को करते हैं बंद, और इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। अगर तो आपके फ्लेवर में डबल क्लिक करने से ये जो टेब फाइल है ये लिंक्ड है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर के साथ, तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको डिटेल्स बताएगा इस इंस्टॉलर की, और साथ ही एक क्लिक का बटन देगा जो कि है जिस पे बना हुआ होगा कि आप इंस्टॉल, मतलब लिखा हुआ होगा, और आप उसको दबाएंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट ये चीज हर फ्लेवर ऑफ द लिनक्स में शायद सपोर्टेड ना हो, और हो सकता है कि आप जो फ्लेवर यूज कर रहे हैं उसमें डबल क्लिक करने से वो फाइल इंस्टॉलेशन वाले उस फ्लो में ना जाए। तो हम उसके लिए जो प्रोसेस जो सभी लिनक्स के ऊपर कारामा साबित होता है वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए डेमो। और उस में हम ये करेंगे कि हम टर्मिनल विंडो खोलेंगे, और टर्मिनल विंडो खोलने के बाद हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे ये फाइल अभी डाउनलोड हुई है। और वो डाउनलोड हुई है हमारे पास डाउनलोड्स के फोल्डर में, ये देखिए। और यहाँ पे जो हम कमांड यूज करेंगे वो है sudo dpkg-i और आगे इस इंस्टॉलर फाइल का नाम। कमांड है sudo dpkg-i और आगे जो फाइल का नाम है code_1.47। यहाँ से हम हमारा पासवर्ड मांगेगा sudo के हवाले से, और उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो विद इन ए मिनट ये कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपके लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो लें जनाब विजुअल स्टूडियो कोड हमारे इस लिनक्स कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। इसको चलाने के लिए आप सिंपल कोड लिख के एंटर कर दीजिए, तो आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ये हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। यहाँ हम अपनी वही वाली फाइल ओपन करके देखते हैं जो भी हमने कुछ देर पहले क्रिएट की थी यूजिंग वेम। तो ये फाइल हमारी होम फोल्डर में पड़ी हुई थी hello.rs के नाम से। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में।
और यहां मैं एक और मैसेज प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ वेलकम टू रेस्ट का। ये देखें, मैं यहाँ पे PR लिखा ना, तो इसने वो जो प्रीवियस कमांड थी प्रिंट एलएन की, वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने डिस्प्ले कर दी, और मैं सिर्फ एंटर प्रेस किया तो उसने प्रिंट एलएन की कमांड को कंप्लीट कर दिया। इसी तरह अब मैंने यहाँ के ब्रैकेट लगानी है, तो मैं जो ही ओपनिंग ब्रैकेट लगाता हूँ तो उसने एंडिंग ब्रैकेट खुद ब खुद साथ ऐड कर दी। इसी तरह जब मैं यहाँ पे कोटेशन देता हूँ तो उसने एंडिंग कोटेशन ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। ये फवायद हैं, ये मुझे ईज प्रोवाइड कर रहा है कोड लिखते हुए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू रस्ट प्रोग्रामिंग, और एंड में आके सेमी कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पे फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं फिर दोबारा से रस्ट सी hello.rs जी, तो मैं यहाँ पे रस्ट सी hello.rs करूंगा, तो इसने दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया और डॉट स्लैश हेलो करने से अब देखें मेरा वो जो नया वाला मैसेज था वो भी यहाँ पे अपीयर हो गया। तो यहाँ थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया है कि हमने एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विजुअल स्टूडियो कोड जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है ये इंस्टॉल कर लिया, और ये हमें थोड़ी सी ईज प्रोवाइड करेगा कोडिंग करते हुए। अदरवाइज आप पे कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, आपके लिए ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपने किसी भी फेवरेट एडिटर में ये रेस्ट की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया, और आज के इस लेक्चर के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज बताइए। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस सेशन, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रस्ट एम्बेडेड के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं उनको हम गो थ्रू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।